से एक स्टूडेंट हूं और एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं और साथ ही इस टेक्नोलॉजी को सीख रहा हूं। तो थैंक यू सर, आपने इस मीटिंग में बोलने का मौका दिया। अभी मैं सभी का ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करता हूं। तो आप सभी लोग देख सकते हैं साथियों, मेरी स्क्रीन यहां पर शेयर हो रही है। तो अभी हम यहां पर बात करने वाले हैं कि जिन लोगों ने 110 यूरो के पैकेज ले रखे हैं, तो उनका जो 110 यूरो का पैकेज है तो उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमें कैसे बनाना है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने की प्रोसेस के लिए हमें क्या क्या करना होगा, तो हम उसके लिए आप सभी लोगों को बताने वाले हैं। तो सर, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस यस। ओके ओके। तो अभी हम यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखने वाले हैं कि जो हमारी आईडी है, तो हम वहां पर देखने वाले हैं कि जो हमारा पैकेज है
तो वो हम कैसे देख पाएंगे, या कुछ लोगों ने पैकेज ले लिए हैं तो उनकी आईडी में शो नहीं कर रहे हैं, और फिर शो होने के बाद में उनके अल्टीमा वॉलेट और फार्म में भी शो नहीं कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए हमें क्या क्या करना है। तो अभी हम सबसे पहले अपनी आईडी पर जाएंगे, और वहां पर काफी लोग हैं जिन लोगों ने पैकेज ले रखे हैं और लाइसेंस को एक्टिव नहीं किया है, तो पहले हम उन्हें बताने वाले हैं कि हम रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस लाइसेंस की को हम एक्टिव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं अपने गूगल क्रोम पर, और हमें अपनी आईडी को लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए साथियों मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, जिसमें जो नया व्यक्ति भी है वो भी यहाँ पर सीख पाएगा। तो हमें यहाँ पर लिखना है साथियों बिना स्पेस देके plcultima.com, और जैसे ही हम यहाँ पर plcultima.com लिखेंगे और हमें यहाँ पर सर्च करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर सर्च करेंगे तो साथियों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। तो हमें यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक करना है, ऊपर आप देख सकते हैं थ्री लाइन का ऑप्शन है, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो साथियों मेरी आईडी यहाँ पर लॉगिन है, मैं सीधा डैशबोर्ड पे पहुंच रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें अकाउंट सेटिंग पर क्लिक करना है, और जैसे ही साथियों हम अकाउंट सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरी आईडी है, जिसमें मैंने 110 यूरो का पैकेज लिया है। और वो पैकेज हम कैसे देख पाएंगे, तो साथियों हमें अल्टीमा फार्म के डैशबोर्ड पर आना है। सर इसी प्रकार से इतनी ही स्पीड में बताऊं या और स्लो? ओके, तो यहाँ पर साथियों हमें जैसे हम यहाँ पर आएंगे प्रोफाइल में, तो हमें यहाँ पर अपना टू लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर ये टू लाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो हम जैसे इस टू लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने प्लेटिन वर्ल्ड, अल्टीमा फार्म, इस प्रकार के काफी ऑप्शन दिखाई देंगे। तो हमें अल्टीमा फार्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जैसे ही साथियों आप लोगों ने अल्टीमा फार्म का ऑप्शन ओपन करेंगे तो जिन लोगों ने पैकेजेस बाय कर लिया है तो वो यहाँ पर PLCUX पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ देख पा रहे हैं, तो हम जैसे यहाँ PLCUX पर हम क्लिक करते हैं तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी लोगों का है जिनका यहाँ पर पैकेज लेने के बाद भी यहाँ पर 00 का दिखाई दे रहा है। तो अब अगर उनका 00 दिखाई दे रहा है, यहाँ मैक्स लोड नहीं दिखाई दे रहा है, तो उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को अभी अपना लाइसेंस की एक्टिव करना है। और वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं थ्री लाइन का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और हमें इस थ्री लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम साथ यहाँ पर थ्री लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डैशबोर्ड, एप्लीकेशन, माई वॉलेट और लाइसेंस की। तो साथियों हमें यहाँ पर लाइसेंस की के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर लाइसेंस की के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर साथियों जैसे मेरा यहाँ पर एक्टिवेट दिख रहा है, तो आप लोगों का यहाँ पर ब्लू कलर में, जिन लोगों का भी डैशबोर्ड में नहीं दिख रहा था तो उनका यहाँ पर ब्लू कलर में एक्टिवेटेड का ऑप्शन होगा, तो वो इस पर एक्टिवेट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उनका ग्रीन कलर में हो जाएगा और यहाँ एक्टिवेट हो जाएगा, तो उनका वो डैशबोर्ड में उनका दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी हमारा इनके जो आपने पैकेज लिया है तो आपको डैशबोर्ड में कैसा दिखाई देगा, हम दोबारा से थ्री लाइन के ऑप्शन पर जाएंगे, और थ्री लाइन के ऑप्शन पर जाने के बाद में हम यहाँ पर डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही हमने डैशबोर्ड पर क्लिक किया तो आप सभी लोग देख सकते हैं PLCUX पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका 110 यूरो का पैकेज या 275 यूरो का जो भी आपने पैकेजेस लिया है तो वो यहाँ पर दिखाई देगा। अब आपने इसमें कॉइन अभी नहीं रखा होगा तो आप लोगों का यहाँ पर खाली दिखाई देगा, मैंने रखा है, मैं आपको डेमो के रूप में सारी चीजें यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। अब कई सारे लोग हैं जिन्होंने नई आईडी पे पैकेज ले रखे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पुरानी आईडी पे पैकेज ले रखे हैं, तो मैं दोनों लोगों को बताऊंगा कि हम नई आईडी पे पैकेज लेने के बाद में अल्टीमा वॉलेट और फॉर्म बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान देना है, तो हमें उस चीज पर चलना है। तो अभी सबसे पहले जिन लोगों ने नई पे लिए हैं या पुरानी पे लिए हैं तो हमें प्ले स्टोर पर जाना है, हमें अपने गूगल और प्ले स्टोर पर जाना है। किसी व्यक्ति का पीछे से बैकग्राउंड पे आवाज आ रही है, तो अभी हमें क्या करना है, आप सभी लोग देख सकते हैं मैं प्ले स्टोर पर जा रहा हूँ। तो प्लीज बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हमें प्ले स्टोर पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही साथियों हम इस प्ले स्टोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आपको सर्च करना है अल्टीमा वॉलेट और अल्टीमा फार्म। तो यहां पर हमें इसे अपग्रेड करना है, यहां पर जिन लोगों के अपग्रेड नहीं है चाहे उनका पुराना हो या फिर नए, जो लोग नए व्यक्ति हैं तो उन्हें डाउनलोड कर लेना है।
जिन लोगों ने 180 रुपए का पैक ईमेल आई डी बना के लिया है, उन्हें इसका वॉलेट और फॉर्म बनाना होगा। वॉलेट फॉर्म बनाने के लिए उन्हें कौन कौन से स्टेप पे जाना होगा उस पे जाके अभी हम यहाँ पर क्लिक करने वाले हैं साथियों। तो अभी आप लोगों को प्ले स्टोर पर जाकर इन्हें डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए सीधा सा आप डाउनलोड करेंगे या फिर जिनकी पुरानी आईडी है तो वो उसे अपग्रेड कर लेंगे। ऐसे ही अल्टिमा वॉलेट को अपग्रेड कर लेंगे साथियों, और फिर आप अल्टिमा फॉर्म को अल्टिमा फॉर्म डालेंगे। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अल्टिमा फॉर्म और वॉलेट आपका अपग्रेड होगा, तो ओपन करने का ऑप्शन देगा। तो अब साथियों मैं बताऊंगा कि पहले हमें नया वॉलेट और फॉर्म क्रिएट कैसे करना है, कैसे इसे बनाना है, तो हम इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। और उसके बाद में फिर आपको बताएंगे कि इसमें हम क्वाइन कैसे डालेंगे, कितना क्वाइन डालेंगे तो कितनी फीस लगेगी, हम अल्टिमा एक्स क्वाइन कैसे डालेंगे, उसका फॉर्म कैसे शो होगा, हम उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो अभी जैसे हमने अल्टिमा वॉलेट और फॉर्म बना लिया है तो अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, उसे ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए मैं यहाँ पर कई सारे डेमो के ऑप्शन है उसको भी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से जैसे आप अपना अल्टिमा वॉलेट और फॉर्म, तो सबसे पहले आपको नया बनाने के लिए अल्टिमा वॉलेट एप्लीकेशन खोलना है। और जैसे आप खोलेंगे तो आप नोट डाउन भी करते जाइए क्योंकि यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें स्क्रीन शेयर करने पर हेडिंग में हो जाती हैं। तो मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, मुझे एक एक वर्ड याद है तो वो कैसे कैसे करना है। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आप उस पर अल्टिमा वॉलेट एप्लीकेशन अपना ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर इसे इस प्रकार से स्लाइड करेंगे आप आगे की ओर। तो यहाँ पर नेक्स्ट 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 नीचे आपका यहाँ ऑप्शन आएगा वॉलेट क्लिक करने के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट जैसे आप करेंगे तो फिर यहाँ स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, और जैसे आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो फिर आपसे वो पिन बोलेगा कि आप एक 6 डिजिट का पिन बनाइए। तो साथियों आपको एक ऐसा पिन बनाना है जो आपको याद रहे, क्योंकि इस पिन की दोबारा रिकवरी नहीं है, और यह हमारे पीएलसी अल्टिमा सिस्टम की ब्लॉकचेन है और इसमें कोई रिकवरी नहीं है। तो आपको एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं बता दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से आपको एक 6 डिजिट का पिन बनाना है जो आपको याद रहे, और बनाते समय ही आपको नोट डाउन कर लेना है। तो उसके बाद में फिर आप नीचे नेक्स्ट करेंगे तो आपको एक ट्रांजेक्शन पिन मांगेगा, तो फिर से वही आप सेम बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6। जैसे आप ये बनाएंगे तो यहाँ नीचे नेक्स्ट जनरेट का ऑप्शन आएगा, तो उस पर क्लिक करेंगे तो पहले वो वहाँ पर QR कोड देता था वॉलेट फॉर्म बनाने के लिए, तो अब वहाँ पर इकट्ठा की नहीं देगा, अब वो आपको 3-3 वर्ड में आपको लगातार देगा। आपको यहाँ पर यानी कि आप एक वर्ड डालेंगे फिर उसके बाद में सेकंड आएगा फिर थर्ड आएगा, तो आपको अपनी डायरी में लिखते जाना है। और अगर आपके पास में दूसरा मोबाइल उपलब्ध है तो आपको फोटो भी लेते जाना है। आपको जिस प्रकार से कैपिटल स्मॉल वर्ड लिखे हुए हैं सेम प्रोसेस में आपको अपनी डायरी में वो लिख लेना है। फिर आप नेक्स्ट करेंगे यहाँ तो फिर से सेकंड लाइन में आपके 3 वर्ड आएंगे इसकी प्राइवेट की के, फिर उसके बाद में वो आप लिख लेंगे, फिर यहाँ नेक्स्ट करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ 3rd नंबर पे भी वही 3 लाइन में आपके वर्ड आएंगे, और 4th नंबर में आपके यहाँ पे आएंगे, तो आपको वो 12 डिजिट की जो आपकी प्राइवेट की आएंगी तो आपको वो लिख लेना है, और बहुत ही ध्यानपूर्वक लिखना है क्योंकि वो आपके अल्फाबेट यानी कि आपका कैपिटल स्मॉल वर्ड में होता है ABCD इस प्रकार से। तो आपको एक एक वर्ड लिख लेना है, अगर आप थोड़ी सी भी गलती कर देते हैं तो आपका आगे ओपन नहीं होगा। फिर जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको वो प्राइवेट की डालने का ऑप्शन आएगा, आपकी जितनी भी आपने 12 डिजिट की प्राइवेट की आपने नोट डाउन करी होंगी अपनी डायरी में पेन में बनाते समय, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और डालने के बाद में आपको सीधा सा नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक ऑटोमेटिक एक ऑप्शन आएगा सुपर का, तो उस सुपर के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप यहाँ पर सुपर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, और वहां पे वो आपसे बोलेगा वेरीफाई का, आप वेरीफाई करेंगे और फिर से आपको वो 6 डिजिट का पिन मांगेगा, आप 1 2 3 4 5 6 वो पिन डालेंगे तो अब आपको ओपन हो जाएगा। तो ओपन किस प्रकार से होगा मैं यहाँ पर आपको अपना वॉलेट ओपन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि वॉलेट बनाने की जो प्रोसेस थी वो यही है। अब हम यहाँ पर चलते हैं तो हमारा ये वॉलेट है और इस प्रकार से यहाँ पर आपका ये ओपन हो जाएगा। जैसे साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर 1st नंबर में आपका यहाँ पर PLC अल्टिमा का दिखेगा, इसे आप इस प्रकार से यहाँ पर स्लाइड करेंगे साइड की तरफ तो आपका यहाँ पर PLCU का दिखाई देगा, और जैसे PLCU का दिखाई देता है तो फिर साथियों आपको इसे साइन अप करना है, इसे यानी कि अपनी ईमेल आईडी जो आपकी नई ईमेल आईडी, जिन लोगों की पुरानी है तो उनका ऑटोमेटिकली साइन अप होता है, उन्हें यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है। जो नए लोग हैं तो यहाँ सेटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे साइन इन का ऑप्शन है, यहाँ नीचे
यहाँ साइन इन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो बोलेगा आई लॉग इन विद प्लेटिन पासपोर्ट, तो वहां पर आप क्लिक करके फिर आपसे वो ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो आपको अपना ईमेल आईडी जो आपने अभी पैकेज खरीदते समय अल्टिमा प्लेटिन वर्ल्ड के साथ में साइन अप किया था, तो वो आईडी और पासवर्ड आपको डाल देना है और सीधा साइन अप कर देंगे। अब जो पुराने लोग हैं तो उनके में गूगल ऑथेंटिकेटर लगा होगा, तो गूगल ऑथेंटिकेटर का वो 6 डिजिट का आपसे कोड मांगेगा, वो कोड डालने के बाद आप वेरीफाई करेंगे तो आपका नेक्स्ट हो जाएगा। और जो नए लोग हैं तो उनसे कोड नहीं मांगेगा, क्योंकि जब वो लगा लेंगे गूगल ऑथेंटिकेटर कोड तो वो तभी आपसे मांगेगा। तो साथियों जैसे आप यहाँ पर साइन अप कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर इस प्रकार से ईमेल आईडी दिखने लगेगी, जैसे मेरी ईमेल यहाँ पर दिखती है। अब उसके बाद में हमें यहाँ पर होम पर क्लिक करना है। अभी हम सेटिंग में थे, अब हम यहाँ पर होम के ऑप्शन पर आएंगे। और जैसे ही साथियों हम यहाँ पर होम के ऑप्शन पर आते हैं तो अब यहाँ पर आपके वॉलेट में जो नए लोग हैं तो उनके लिए यहाँ पर सेटअप का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर सेटअप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ सेटअप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ नीचे एक ऑप्शन ओपन होगा और वो ऑप्शन होगा यूज मेन वॉलेट का। तो आपको साथियों यहाँ पर यूज मेन वॉलेट पर क्लिक करेंगे और फिर ओके कर देंगे। फिर आप दोबारा से देखेंगे तो दोबारा से यही पे एक बार सेटअप का ऑप्शन आएगा, और जैसे उस सेटअप पर आप दोबारा से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, आपका एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर साथियों, वो ऑप्शन होगा गो टू फार्म। तो साथियों आप गो टू फार्म पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से मैं यहाँ पर प्ले स्टोर के डेमो के जरिए यहाँ पर आपको फार्म का भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। साथियों यहाँ पर जैसे कि अभी मैं यहाँ पर फार्म के बारे में यहाँ पर एक करते हैं, हम यहाँ पर फार्म पर आ गए तो इसमें भी कई सारे, अब यहाँ पर साथियों इसको भी हमें क्रिएट करना है तो इसकी भी सेम प्रोसेस वही है। हमें इसमें जैसे आप नेक्स्ट 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 4 बार करेंगे गो टू फार्म करने के बाद में, तो फिर वो आपसे बोलेगा लॉग इन विद प्लेटिन पासपोर्ट। तो आपको वही अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल देना है जो भी आपने साइन अप करते समय वॉलेट में डाला था। तो आप वो अपना आईडी और पासवर्ड डाल देंगे और उसके बाद में फिर साथियों एक ऑप्शन आएगा और वो ऑप्शन होगा यहाँ पर आपसे वो पिन मांगेगा, 6 डिजिट का पिन जो आपने अभी वॉलेट में डाला था आप सेम डालिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कई सारे लोग थे जो अभी कंफ्यूज में रहते थे, उनका जो वॉलेट था फार्म था तो वॉलेट अलग पिन से वो ओपन कर रहे थे और फार्म अलग पिन से। अब साथियों इसमें आप सेम करेंगे तो आपको आप भूलेंगे नहीं और आपका ये फार्म सिक्योर रहेगा। तो आपको ये सेम भी रखना है या फिर आप तो आपको सेम रखना है तो आपको वो एड्रेस आप डालेंगे 1 2 3 4 5 6 पिन डालेंगे और फिर वो आपसे ट्रांजेक्शन पिन बोलेगा। तो आपको फिर से वही पिन डालना है और नीचे नेक्स्ट जनरेट का ऑप्शन होगा तो उस पर साथियों आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद में फिर वो आपको एक ऑप्शन वही देगा, आपके वो 3 बाइट में आपको वो आपके वो की देगा प्राइवेट की। तो आपको की आपको नोट डाउन करते जाना है और की नोट डाउन करना है आपको, जैसे की पहली लाइन में आएगा तो आपको लिख लेना है, आपको यहाँ पर अपनी की लिख लेना है और की लिखने के बाद में आपको दोबारा से फिर दूसरी लाइन की लिखनी है, फिर तीसरी लाइन की लिखनी है और फिर चौथी लाइन की आप लिख लीजिएगा अपने डायरी में, और दूसरा मोबाइल है तो फोटो भी लेते जाइएगा। और उसके बाद में आपको की लिखने के बाद में फिर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा तो उसमें फिर आपको दोबारा से बोलेगा कि अब आप इसमें वो की टाइप करिए। तो आपको वो एक एक वर्ड आपको टाइप करना है और टाइप करने के बाद में सीधा सा आपके नीचे एक ऑप्शन आएगा नेक्स्ट का, तो आप उसमें नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो वो आपका बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में वो किस प्रकार से ओपन होगा अभी मैं डेमो जो मैंने बनाया है अभी वो ओपन करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो अल्टिमा वॉलेट और अल्टिमा फॉर्म बनाने की प्रोसेस यही है, तो मैंने अभी आपको बताई है, जो नए लोग थे उन लोगों के लिए यही सेम प्रोसेस है कि हमें कैसे बनाना है। और इसका मेरा वीडियो है जो कम्प्लीट हो चुका है, मैं अभी दोपहर तक उस वीडियो को यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा। तो अभी साथियों अब हमें चलना है, हमें उसमें कॉइन कैसे डालना है, कॉइन डालने के लिए क्या क्या कंडीशन रहेगी, तो हम अपना फार्म ओपन करते हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर फार्म है, तो वो फार्म में यहाँ पर आपको दिखा दे हमारा अल्टिमा फार्म किस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देगा उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर अपना अल्टिमा फार्म ओपन किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसे अल्टिमा फार्म को ओपन किया तो हमारे सामने इसका डैशबोर्ड यहाँ पर दिखाई देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हमने इसे अपना पिन डाला या आपने फिंगर लगा रखा होगा तो फिंगर मांगेगा। और उसके बाद में साथियों आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले जब आप ओपन करेंगे तो आपका यहाँ पीएलसी अल्टिमा यहाँ पे ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर वही होम और इस प्रकार के सारे ऑप्शन होंगे।
तो अब आपको यहाँ पे जो एरो का निशान दिखा रहे हैं घुमा हुआ टाइप का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अल्टिमा एक्स का आपको फॉर्म दिखाई देगा। और साथियों जैसे आप इसे बना के कंप्लीट करेंगे तो आपका यहाँ पर आपको दिखा देगा कि आपका यहाँ पर अवेलेबल मैक्स लोन 0.002 का, तो आपका यहाँ पर दिखाई देगा। अब जैसे ये दिखाई देता है तो अब आपको इसके एड्रेस को मिलाना है कि जो आपने अल्टिमा वॉलेट और फॉर्म अभी बनाया है तो इसका फॉर्म का एड्रेस आपकी आईडी में ऐड हो जाता है फॉरन। तो अब आपको एड्रेस कहाँ से मिलाना है, कहाँ से निकलेगा, तो आप लोग साथियों यहाँ पर देख सकते हैं नीचे BLCUX, ये BLCUX का आपका यहाँ पर इसका एक ऑप्शन दिख रहा है बैलेंस में, तो इस पर आप एक बार क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका एक एड्रेस आएगा जो इसका डिपोजिट एड्रेस होता है। आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो साथियों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसका एड्रेस आ गया है PLCU का डिपोजिट एड्रेस जो हमारी आईडी से सिंक्रोनाइज हुआ है। जिसे हम कैसे मिलाएंगे, इसके आपको लास्ट के चार डिजिट देख लेना है, जैसे कि मेरे यहाँ पर दिख रहा है TSAW। तो अब हम इस पर यहाँ देख लिया। अब साथियों हम यहाँ पर मिनिमाइज करके अपना आईडी पर आएंगे, जो भी हमने आपको आईडी यहाँ पर दिखाई थी अपनी, तो यहाँ पर हम अल्टिमा फार्म के डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। अपने जो आपने आईडी अभी लॉग इन करी थी तो उसमें भी देख सकते हैं, तो हम यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं आप थ्री लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही साथियों आप थ्री लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा माय वॉलेट का, तो आप यहाँ पर माय वॉलेट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके तीन वॉलेट दिखाई देंगे। तो साथियों जो आपका वॉलेट का है तो वॉलेट का वही रहेगा जो आपका पिछला है, वॉलेट का भी आप मिला सकते हैं। तो वॉलेट के एड्रेस पे आप जाके देखेंगे तो वहाँ उसका ये दिखाई देगा, और नीचे PLCX का एक एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है साथियों, ये है TSAW, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो वही एड्रेस है जो हमने सिंक्रोनाइज किया था अपने आईडी से, जिसका भी वॉलेट और फॉर्म क्रिएट किया है, और हम ऐसे ही वॉलेट का भी जाके मिला सकते हैं, वॉलेट का ये होगा। तो अब हमें ये दोनों मिला लेना है, और मिलाने के बाद में फिर हमें इसमें कॉइन डालना है, तो हमें यहाँ पर कॉइन डालना है। सर मेरी आवाज तो आ रही है ना, ऐसा ना हो कि आवाज ना आ रही हो। ओके, तो यहाँ पर अब हमें इसमें कॉइन डालना है, तो कॉइन डालने की प्रोसेस क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो अब साथियों आपको अपना वॉलेट और फॉर्म का ये एड्रेस मिला लेना है, जो पुराने लोग हैं तो उनका सिर्फ वॉलेट का दिखाई देगा, वॉलेट का वही रहेगा जो पहले था, फॉर्म का चेंज हो जाएगा। तो फॉर्म का आप मैंने दिखा दिया कैसे आपको मिलाना है। अब मिलाने के बाद में साथियों आपको ये एड्रेस कॉपी कर लेना है। अब आप इसमें कॉपी कैसे करेंगे, आप इस पर एक बार क्लिक कर देंगे तो आपका ही कॉपी हो जाएगा, यहाँ पर दिख रहे हैं वॉलेट एड्रेस इज कॉपी, तो आपका ही कॉपी हो चुका है। अब आपको पॉइंट स्विट से जाके इसे भेजना है, तो पॉइंट स्विट से आप इसे कैसे आप इसमें भेजेंगे तो इसमें हम आपको बताते हैं। तो अभी हम पॉइंट स्विट अपना ओपन करने वाले हैं, और आप देख सकते हैं साथियों यहाँ पर हमारा पॉइंट स्विट का ऑप्शन है, हम इस पॉइंट स्विट के एप्लीकेशन पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे तो आपको इसमें PLCX कॉइन खरीदना सेल करना वो सब कुछ आता होगा। मैं इसमें आपको विड्रॉल करना बता रहा हूँ कि आप विड्रॉल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टार्ट ट्रेडिंग नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप स्टार्ट ट्रेडिंग नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसके रेट जो भी आपका प्राइस है मार्केट खुल जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर सीधा थ्री लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप थ्री लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो साथियों आपको यहाँ पर वॉलेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप यहाँ पर वॉलेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बैलेंस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और आप जैसे यहाँ पर बैलेंस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 10-12 सेकंड का वेट करना होगा, क्योंकि साथियों हमें ये हमारा जर्मनी स्विट्जरलैंड, जर्मनी यूरोप का नंबर वन एक्सचेंज है, और यहाँ पर हम 4G 3G एंड्रॉइड में इस्तेमाल करते हैं, जिससे थोड़ा सा हमारे इंडिया में स्लोली काम करता है। तो आपको एक बार क्लिक कर देना है, अभी 10 से 15 सेकंड के अंदर यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन ओपन होगा वॉलेट डिपॉजिट और विड्रॉल का। तो साथियों हमारे सामने वॉलेट डिपॉजिट और विड्रॉल का ऑप्शन ओपन हो चुका है। अब हमारा जो PLCX कॉइन है आप लोगों ने खरीद रखा होगा, तो आपको यहाँ पर पहले सर्च और ऑटोमेटिकली ऐसा दिखाई दे देगा, आपको यहाँ पर सर्च करना है ये वॉलेट के सेशन में, आपको यहाँ पर सर्च करना है PLCX, और जो आपका ट्रेड में होगा अभी PLCX साथियों आप लिखेंगे, जैसे ही आप यहाँ पर PLCX लिखेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरे यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कॉइन बचा हुआ है PLCX,
जो मेन में है, आपको जितना ही भेजना है तो आपको यहाँ पर मेन में लाना है। जैसे भी आपने 110 यूरो का पैकेज लिया है, तो 110 यूरो का जो आपने पैकेज लिया है, तो अब उसमें आपको पॉइंट डालना है 0.002। तो अब आपका 0.002 आपका मेन में होना चाहिए। अब मेन में होगा तो आपको इसमें फीस भी लगनी है, तो 0.0021, क्योंकि इसकी जो पेट्रोल की फीस है, वो पेट्रोल फीस कितनी है वो अभी आपको आगे मैं दिखाने वाला हूँ। आप इसमें कितना भी पॉइंट भेजें, चाहे 0.00 भेजें, 2 भेजें, या फिर 0.02 भेजें, या 2 भेजें, आपको 0.0001 की फीस लगनी है। आपको कितनी लगेगी साथियों, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो अब हम यहाँ पर पेट्रोल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और जैसे हम यहाँ पर पेट्रोल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर बीटीसी यहाँ दिख रहा है। बीटीसी की जगह हमें लिखना है PLCUX। तो यहाँ पर हम एक बार क्लिक कर देंगे, अब हमारे पास में यहाँ पर अभी लिखने का ऑप्शन आएगा, तो हमें यहाँ पर लिखना है PLCUX। आप साथियों हमने यहाँ पर PLCUX लिख दिया है, मेरे पास में टोटल बैलेंस है वो 0.0032 है। तो यहाँ पर साथियों आप इस PLCUX के ऑप्शन पर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पर सेट हो जाएगा। आपने इस पर क्लिक किया, अब यहाँ पर आपको वो एड्रेस डालना है जो अभी आपने फॉर्म से कॉपी किया था। तो अब आपको इस एड्रेस में यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है, तो आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे। आप पेस्ट करेंगे तो आपको एड्रेस ध्यान दे लेना है जो आपने अभी कॉपी किया था, यहाँ पर है DSAW, वही है साथियों जो मैंने कॉपी किया था। अब आपको यहाँ पर अपना अमाउंट डालना है, तो आपको अमाउंट डालना है 0.002। तो साथियों अगर आप 0.002 डालेंगे तो आपका यहाँ पर 0.0019 पहुंचेगा। यहाँ पर यू बिल गेट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपका दिखाई देगा, तो यानी कि जो आपके वहाँ रिसीव होने वाला है वो इतना होने वाला, तो आपको 0.0001 एक्स्ट्रा भेजना है। तो यहाँ पर 2 के बाद में आपको 1 और लिख देना है। अब जैसे आप 1 लिखेंगे तो आपको जितना जरूरत है आपके फॉर्म में उतना आपका वहाँ पर पहुंच जाएगा। और जैसे ही पहुंचेगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.002, यहाँ से आप विड्रॉल करेंगे, और विड्रॉल करने के बाद में सीधा यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल OTP और गूगल ऑथेंटिकेटर कोड जो आपने पाइस वीट में डाल रखा होगा तो वो डालेंगे। उसके बाद में साथियों आपका ये लगभग 30 मिनट ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में आपका वहाँ पर पहुंच जाता है। अभी 2 दिन पहले थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा था, अब ज्यादा समय इसमें नहीं लगता है, ये आपका पहुंच जाता है ज्यादा से ज्यादा आपका 20 मिनट 40 मिनट 1 घंटे और अधिकतम 2-3 घंटे में भी किसी किसी में समय लग जाता है। यहाँ से जैसे आप विड्रॉल करेंगे तो अब आपका ये फॉर्म में कहाँ पे दिखाई देगा, आइए हम यहाँ पर चलते हैं। तो अब हमें दोबारा से अपना अल्टिमा फॉर्म एप्लीकेशन ओपन करना है, और जैसे साथियों हम यहाँ पर ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर जो मैक्स लोड दिखाई दे रहा, तो अब आपका एक पॉइंट यहाँ पर दिखाई देगा PLCU बैलेंस में, आपका 20 मिनट 40 मिनट 1 घंटे में आपका यहाँ पर PLCUX भी यहाँ पर बैलेंस में आपका दिखाई देगा। और इसके बाद में अब आपको गेट प्रॉफिट करना है, साथियों जब आप गेट प्रॉफिट करेंगे तो इसमें आपको गैस फीस लगने वाली है, और वो गैस फीस कितनी है थोड़ा सा वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो अभी जैसे ही आप यहाँ पर इसमें गेट प्रॉफिट करेंगे, आप यहाँ पर अभी मेरा यहाँ पर गेट प्रॉफिट हो चुका है, मैं यहाँ पर डेमो करूँ, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको जैसे आप गेट प्रॉफिट करेंगे तो वो आपसे बोलेगा कि आपको यहाँ पर फीस देनी, और वो फीस होगी जो 0.002। हर एक पैकेज के लिए इनकी गैस फीस अलग अलग है, और साथ में गैस फीस वर्निंग फीस है अल्टिमा के लिए। आने वाले समय में इस गैस फीस से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, और अल्टिमा का रेट काफी रेट बढ़ जाएगा इसका आने वाले 1 महीने 2 महीने 4 महीने में, क्योंकि ये गैस फीस भी कम नहीं है। अगर हम 0.002 का अगर फॉर्म डालते हैं तो आज के रेट में आपको जो गैस फीस लगेगी वो लगेगी 0.0003179 करीब इतना लगेगा। तो आपको यहाँ पर इस एड्रेस पर आपको अपने अल्टिमा प्लेटिन वर्ल्ड की आईडी से या फिर कॉइन स्विट से या बी बॉक्स से आपका जहाँ पे भी आप फॉर्म वॉलेट में आपका जो कॉइन है, तो इस एड्रेस पे आपको गैस फीस के लिए आपको 0.004 जो हमारा 0.002 का पैकेज है 110 यूरो का, तो इसके लिए गैस फीस जब आप गेट प्रॉफिट करेंगे तो वहाँ गैस फीस बताएगा कि आपको इतना फीस लगेगी। तो आपको अपने अल्टिमा फार्म के इस एड्रेस पर PLC अल्टिमा के एड्रेस को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए आप यहाँ पर जाएंगे, फिर आप अपने कॉइन स्पिट से या प्लेटिन वर्ल्ड की आईडी से कहीं से भी आप इसमें कॉइन भेजेंगे, जैसे कि आईडी से बहुत जल्दी आ जाता है 1 मिनट से। अभी जैसे मैंने एक एड्रेस कॉपी किया,
अब मैं थोड़ा सा अपने प्लेटिन वर्ल्ड की आईडी पे आपको एक बार देता हूँ। यहाँ पर साथियों मैं यहाँ पर अपनी आईडी में दोबारा से आता हूँ और अपने अकाउंट सेटिंग पर क्लिक करूंगा। और अकाउंट सेटिंग पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम इस पर जनरल की टू लाइन पर क्लिक करेंगे तो हम प्लेटिन वर्ल्ड के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। और जैसे ही साथियों हम प्लेटिन वर्ल्ड के डैशबोर्ड पर आ जाते हैं तो आपका यहाँ पर जो भी कमीशन होगा जो भी आपका होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा कमीशन है तो यही कमीशन आप वहाँ पे भी सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर पे आउट पर क्लिक करेंगे और जैसे आप पे आउट पर क्लिक करेंगे तो पीएलसीओ बोनस के पे आउट पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद में आप यहाँ नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे तो जो अभी आपने एड्रेस कॉपी किया था पीएलसीओ का वो आपका यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं तो अभी हम यहाँ पर पेस्ट कर दिया अभी जो हमने एड्रेस कॉपी किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा पीएलसी अल्टिमा फार्म के एड्रेस है उसका डिपोजिट एड्रेस है पीएलसी अल्टिमा का था। तो यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ पर हम जो गैस फीस भेजेंगे वो अल्टिमा के रूप में भेजेंगे। तो अब हमने एड्रेस डाला, अब यहाँ पर हमें लिखना है 0.004। अब साथियों इतना गैस फीस के रूप में आपको यहाँ पर भेजना है। अब जैसे ही आप इसमें इतना डाल देंगे तो आपका यहाँ पर वो एड्रेस दिखाई देगा और ट्रांसफर किए जाने, क्योंकि इसमें कोई विड्रॉल फीस नहीं है, बहुत ही कम छोटा अमाउंट भी यहाँ से आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सीधा सा अमाउंट डाला और सीधा यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो आपके गूगल अथेंटिकेटर पे कोड आएगा, वो कोड डालेंगे तो सेकेंडों में आपकी गैस फीस वहाँ पहुंच जाती है। ज्यादा से ज्यादा एक मिनट या दो मिनट का समय लगता है आपकी गैस फीस कैसे वहाँ पहुंचेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आप गैस फीस कहाँ देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा अल्टिमा फार्म का डैशबोर्ड, अल्टिमा फार्म एप्लीकेशन का डैशबोर्ड दोबारा से ओपन हो गया। तो अभी हम इसे एक बार बैक करेंगे। अब साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर मैक्स लोड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर पीएलसीओ बैलेंस जो आपने क्वाइन भेजा है अभी 0.002 वो आपका यहाँ बैलेंस में दिखाई देगा और जो आपने अभी गैस फीस भेजी है वो आपकी पीएलसीओ बैलेंस में यहाँ पर दिखाई देगी। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे पीएलसीओ यहाँ पर गैस फीस आपकी आ जाती है, वो एक ही मिनट के अंदर आ जाती है। फिर आपका सीधा सा काम है कि आपको यहाँ पर गेट प्रॉफिट करना है। तो गेट प्रॉफिट करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं आप इस गेट प्रॉफिट पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप गेट प्रॉफिट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आएगा टर्म एंड कंडीशन आई से प्राइवेट की ऐसा कुछ लिख के आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक स्लाइव आएगी इस प्रकार से ऐसा खिसकाने की और आगे की ओर आप उसे खिसका देंगे तो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और साथियों कुछ लोगों का जब नेटवर्क काफी ज्यादा बिजी होता है तो यहाँ पर कुछ लोगों का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनने में समय लग जाता है। तो आपको एक दो बार जब आप करेंगे एक घंटे बाद या दो घंटे बाद तो वो दोबारा से कभी कभी यहाँ पर समय लगता है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपकी गैस फीस आने के बाद भी आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चालू नहीं होता, समथिंग रॉन्ग आपको बताता है। तो फिर भी घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ पर दो घंटे बाद चार घंटे बाद आप दोबारा से गैस कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आप फिर आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो आपकी ये जो घड़ी इस प्रकार से यहाँ खाली दिख रही है कई सारे लोगों की, ये पूरी घड़ी आपकी फुल हो जाएगी। और साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखने के लिए यहाँ पर आप पी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे पी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ऊपर यहाँ पर पीएलसी यू का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देगा और यहाँ पर पीएलसी एक्स का दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर पीएलसी एक्स पर क्लिक करेंगे और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी मिंटिंग इस प्रकार से यहाँ पर दिखने लगेगी। ये जो मैंने अभी कल इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तो अगले महीने की 4 तारीख को 10वें महीने में 2022 को यहाँ पर 0.001 इसका 60% हमने जितना कॉइन उसमें डाला और फार्म में उस कॉइन का 60% हमें महीने का रिटर्न मिलने वाला है। तो साथ ही अल्टिमा वॉलेट बनाने के लिए और उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चालू करने के लिए गैस फीस की ये प्रोसेस थी। और इतना ही सिंपल तरीके से साथियों मेरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है और उसमें डलने वाला है। तो अभी चैनल पे भी जाके आप देख सकते हैं ग्रुपों के माध्यम से आप सभी के पास में वीडियोस आ जाएंगे। तो यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने की प्रोसेस यही है। तो थैंक यू सर, मैं काफी बेहतर तरीके से बता पाया हूँ, अगर इसमें भी कोई गलती हो तो मोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। वेलकम सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
के बारे में कोई इंफॉर्मेशन जानकारी दिए, इसको हम डेली रिपीट करेंगे अगले कुछ दिन तक, ताकि जो नई कम्युनिटी हमारे बीच में उनको क्लैरिटी मिलेगी एक्स के बारे में। दो तीन दिन कंटिन्यू करेंगे तो सबको इसमें सर एक और क्लियर जो है जैसे इन्होंने बताया, तो उसमें क्या है, मैंने कल निकाला था तो उसमें जो एक्यूरेट फीस लग रही है उसको हम परसेंटेज में भी बता सकते हैं, ताकि सामने वाला उतनी फीस उसमें रखे तो उसका फीस वो कम ना पड़े। उसका हमें रेशियो निकालना है, हमेशा हमें क्या करना है कि अभी यहाँ पे गैस भी लगने स्टार्ट हुई है तो हमें ये अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा वहाँ पे ट्रांसफर करके रखना है, पैकेज बाय होने के बाद फिर उसको विड्रॉ ले सकते हो। नहीं, उसमें जो ज्यादा फीस है मैं उसकी अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो एक्यूरेट फीस वो मांग रहा है उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज में अगर अपन बता देते हैं तो सामने वाला जो ना उतना परसेंटेज वहाँ रख लेगा, तो वो क्या है कि उसका जो ना वो कॉन्टेक्ट बन जाएगा और बच भी जाएगा थोड़ा बहुत। उसका जो रेशियो है, जैसे मान लिया अपन ने 0.02 का फॉर्म तो अपन ने टेक बनाना है, तो उसमें आप 1.70% निकाल दो, जो 0.02 का है उसका अगर अपन निकालते हैं 0.02 का 1.70% तो वो निकल के आएगा 0.0034। अगर ये आपके उसपे होगा PLCU पे गैस फीस की जगह तो आपका कॉन्टेक्ट तुरंत बन जाएगा और उसमें भी 1-2 पॉइंट बचा रहेगा। ये सर हम सबको क्या करना है कि हमारे फार्म के अंदर अल्टीमा के कॉइन को 2 सेंट ज्यादा रखना है, एक या 2 सेंट ज्यादा रखना है, जितना भी हम भी वहां पे देना चाहते हैं, क्योंकि अगर सेम अमाउंट हम रखते हैं, क्योंकि जब हम ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफर करते वक्त हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक सेंडर का ऑप्शन और एक रिसीवर का ऑप्शन। अगर आप सेंडर के ऑप्शन से जाएंगे तो आपके पास बैलेंस में से कॉइन कट के चला जाएगा, लेकिन आपने रिसीवर के ऑप्शन में ट्रांसफर कर दिया तो वहां जाने के बाद कट जाएगा, तो फिर वो दोबारा इनसफिशिएंट फंड भी हो सकता है। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है, अगर वो इनसफिशिएंट फंड दिखा रहा है तो वहां पे कोई हमारा प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निकल कोई इश्यू नहीं आने वाला है, हमारे पास बैलेंस कम है इसलिए ट्रांजेक्शन पूरा नहीं होगा, तो उसको दोबारा हम ट्रांसफर कर सकते हैं, इससे पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा कोई भी अगर टेक्निकल काम हम कर रहे हैं कंपनी के डैशबोर्ड से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, एक्सेल से रिलेटेड, और वहां पे अगर एरर आ रहा है तो वहां पे कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है जिसकी वजह से एरर आ रहा है। कभी कभी इनसफिशिएंट फंड हम ट्रांसफर करते हैं, पूरा पेमेंट नहीं जाता और हमारा पैकेज बाय नहीं होता, वो थोड़ा सा चैलेंजेबल होता है, तो उसमें फिर हमारा काफी समय चला जाता है उस फंड को वापस लेने के लिए। कंपनी के सपोर्ट में जाके मेल करना है, फिर उसके बाद वो वहां से हमें एक टिकट भेजेंगे, फिर उसके बाद उसका प्रोसेस होगा, उसके बाद वो फंड हमें वापस मिलेगा, और ये क्लोजिंग के टाइम पे थोड़ा सा चैलेंजेबल हो जाता है, हमारे पास समय कम होता है और हमने थोड़ी गलती की उसकी वजह से पैकेज बाय नहीं होता है। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे टर्बो के ऊपर, राइट, एक्स को कैसे बाय करना है, उसका प्रोसेस क्या है वो हमने देख लिया, और इसको हम लोग बार बार देखेंगे अगले 2-4 दिन, ताकि सबको प्रोसेस आसानी से समझ में आएगा, डुप्लीकेशन इसका सही तरीके से हो पाएगा। अभी हम टर्बो के ऊपर थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेंगे कि टर्बो किस तरह से काम करेगा, जिससे हम टर्नओवर जनरेट कर सकते हैं। टर्नओवर जनरेट करने से क्या बेनिफिट होगा, हमारे रैंक्स क्वालिफाई होने में मदद होगी, रैंक क्वालिफाई होने से क्या होगा, हमारे पास एक बड़ा बोनस आ सकता है, राइट, और बहुत जल्दी हम लोग हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं जो हमारा डेस्टिनेशन है डायमंड का, क्योंकि हर किसी का सपना इस प्लेटफॉर्म पे हमें डायमंड जाना। अब यहाँ पे सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्केट में रेज होता है जब हम ग्राउंड लेवल पे मार्केट में काम करते हैं, तो पिछले 5-6 साल के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हम सबकी एक मानसिक में माइंड सेट है कि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस मतलब कोई सामान बेचना है, और उसमें जो रीति रिवाज है उसमें टूथपेस्ट साबुन शैम्पू वाला है जो पिछले 30 साल से हम देख रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ कभी कॉन्सेप्ट सेलिंग की भी कंपनी आती है, ये घड़ी लोग, फिर आप मेंबर बनाओ, फिर आप बाइनरी बनाओ, नेटवर्क को खड़ा करो, उसमें आपको कमीशन मिलेगा, लेकिन उसमें कोई फ्यूचर नहीं होता है, वो कॉन्सेप्ट सेलिंग होता है। आपने एक प्रोडक्ट किसी को रिकमेंड किया, नेटवर्क बना दिया, उसमें रीसेल नहीं होता है, तो बार बार आपको नेटवर्क बनाना पड़ता है, और एक नेटवर्क बनता है उसके पीछे कोई साइंस नहीं होता है, लॉजिक नहीं होता है,
डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर जो कंपनीज रीपर्चेस के प्रोडक्ट्स देती है तो उसमें आपका नेटवर्क बार बार काम करता है जिससे आपको रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन कॉन्सेप्ट सेलिंग ऐसे नहीं होता है। हमने पिछले 16-17 साल के अंदर कई सारी कॉन्सेप्ट सेलिंग कंपनी के साथ हजारों लोगों का नेटवर्क बनाया, लेकिन दो दो तीन तीन साल मेहनत की हजारों लोगों का नेटवर्क बनाया, उसके बाद वो नेटवर्क जीरो हो गया। दूसरी चीज है, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज होता है पोंजी स्कीम्स का, कि मार्केट के अंदर कई सारी कंपनी शेयर मार्केट के नाम पे, फॉरेक्स के नाम पे, क्रिप्टो के नाम पे पोंजी स्कीम्स चलाती है और वो भी कॉन्सेप्ट सेलिंग में आती है। आप इतना पैसा लगा दो आपको डेली इतना पैसा मिलेगा, मंथली इतना पैसा मिलेगा, और उसमें भी हम 3 लाख मेहनत करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं और एक समय के बाद उनके कैलकुलेशन बिगड़ जाते हैं और हमारी मेहनत, हमारा नेटवर्क जीरो हो जाता है। तो इन सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। इससे 5-6 साल के अंदर क्रिप्टो के नाम पे दुनिया भर की पोंजी स्कीम्स मार्केट में आई, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को तो पिछले 30 साल के अंदर हमेशा पोंजी स्कीम ने बदनाम किया है, लेकिन साथ ही साथ पिछले 5-6 साल के अंदर क्रिप्टो के नाम पे पोंजी स्कीम ने नेटवर्क को भी बहुत बदनाम किया। अब जब हम मार्केट में जाते हैं तो वो सारी कंपनी के लोग जो शिकार बने हैं, जिनके नुकसान हुए हैं, जैसे हम क्रिप्टो की बात करते हैं, ब्लॉकचेन की बात करते हैं, तो उनके सामने वो सिनेरियो आ जाता है जिसमें उनका नुकसान हुआ। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है ग्राउंड लेवल पे, जो नए लोग इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं होता है या अभी अभी वो क्रिप्टो बाजार में आए, अंदर कौन सी कंपनी सही है कौन सी कंपनी गलत है ये पता नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको जानकारी नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, कौन सी कंपनी नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। तो ये कंफ्यूजन होने की वजह से हम मार्केट में जाके किसी के सामने जब हमारा प्रोडक्ट रखते हैं और वो पिछला एक्सपीरियंस हमारे सामने रखते हैं तो हम कंप्लीटली निगेटिव हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं कि सामने वाला इंसान बोल रहा है वो सही बोल रहा होगा, मेरे पास तो एक राइट। हमें बेसिक नॉलेज की जरूरत होती है और ये बेसिक नॉलेज आपको कहां से मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपके सीनियर से मिल सकता है जो इस प्लेटफॉर्म पे पिछले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल से काम कर रहे हैं। तो हमेशा जब आप मार्केट में काम कर रहे हैं, नए हैं, तो आपको सीनियर के साथ ही काम करना है या सीनियर के साथ सारे क्वेश्चंस क्लियर करते करते ही आपको काम करना है जिससे आपके जो चैलेंजेस है वो कम होते जाएंगे। तो पिछले 5-6 साल के अंदर जितने भी क्रिप्टो के नाम पे पोंजी स्कीम्स आई है उन्होंने सबसे पहले तो क्या किया, उन्होंने एक बाइनरी प्लान बनाया जो नेटवर्क मार्केटिंग में पहले ही पोंजी स्कीम में आता है, राइट। दूसरी चीज, उन्होंने लोगों को ये बोला कि ये क्रिप्टो खरीदी करो, इसके ऊपर हम आपको, आप लोगों को क्रिप्टो बेचो, इसके ऊपर हम आपको कमीशन देंगे और जब ये क्रिप्टो का भाव बढ़ेगा उससे आपका बेनिफिट। आप मान लो मैंने बिटकॉइन खरीदा, मैंने बिटकॉइन के नाम पे पोंजी स्कीम बनाई, मैंने आपको बोला कि आप 10,000 का बिटकॉइन खरीदो और वो बिटकॉइन हमें दो, राइट। हम आपको डेली 1% बिटकॉइन कमा के देंगे, यानी आपने 10,000 का बिटकॉइन देगा तो बदले में हम आपको 6 महीने में, साल में, 2 साल में 20,000 का बिटकॉइन वापस देंगे और वो किसमें देंगे, टुकड़े टुकड़े में देंगे, डेली के हिसाब से देंगे, 10 डेज के हिसाब से देंगे, मंथली हिसाब से देंगे, इस तरह से बाइफर्केशन करते हैं और फिर हमारा पैसा हमें वापस मिलना स्टार्ट जैसे पीछे वाली पॉलिसी की मिलते हो। तो ये चीज ध्यान में रखना जरूरी है। अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में डायरेक्ट आपको क्रिप्टो बेच रहे या स्टेकिंग करने को बोल रहे कि आप हमें 10,000 का क्रिप्टो दो, हम आपको 6 महीने में, 1 साल में 20,000 का क्रिप्टो वापस देंगे और वो डिवाइड करके देंगे, तो ये सारे पॉलिसी स्कीम होते हैं जहां पे हम पॉलिसी स्कीम का शिकार बनते। लेकिन प्लैटिन वर्ग के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम कोई भी क्रिप्टो करेंसी डायरेक्ट लोगों को सेल नहीं करते, जिसके बदले में ना हमें कमीशन मिलता है, ना कस्टमर को क्रिप्टो के बदले में क्रिप्टो मिलता है बल्कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी कंपनी सिर्फ और सिर्फ मिंटिंग का जो सॉफ्टवेयर है उसको लोगों को रिकमेंड करते थ्रू नेटवर्क। तो जब आप एक मशीन खरीदते हैं तो मशीन के बदले में हमें रेवेन्यू जनरेट होता है। अब वो मशीन के अंदर आपको प्रोडक्शन करने के लिए जो रॉ मटेरियल की जरूरत होती है वो रॉ मटेरियल आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट है जिसको एक्सचेंज में जाकर उस कॉइन को आप खरीदते और उस कॉइन को आप स्टेकिंग में डिपॉजिट करते, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब ये सारा का सारा दुनियादारी लोगों के लिए नया है, लोगों को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है पता नहीं है, मिंटिंग क्या है पता नहीं, फार्मिंग क्या है पता नहीं है। आज क्रिप्टो बाजार के अंदर हजारों लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो पिछले 12 साल से मार्केट में घूम रहे हैं, जिनके पास बिटकॉइन का वॉलेट होगा, किसी एक्सचेंज पे अकाउंट होगा, उनको थोड़ा बहुत अगर जानकारी है ये पता है कि बिटकॉइन की माइनिंग होती है,
अब उससे बाहर वो निकले नहीं है, माइनिंग के बाद की टेक्नोलॉजी को अभी पता नहीं है। दुनिया भर के आपको यूट्यूब पे यूट्यूबर मिलेंगे, उनको फार्मिंग मिंटिंग इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं, क्योंकि मार्केट के अंदर ये सारे प्रोडक्ट और ये सारी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये बहुत कम लोगों को पता है जो इस तरह के प्लेटफॉर्म पे काम कर। अब हमारे बाद वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इथेरियम, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेके आ गया। इथेरियम आप हाइब्रिड ब्लॉकचेन पे जा रहा है, पहले प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता था, अब वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे आ गया। तो जो टेक्नोलॉजी हम पिछले 5-6 साल से रन कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी पे आप इथेरियम आने वाले 15 तारीख, इसी महीने के 15-16 तारीख को सबके पर, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी। तो आज मार्केट लीडर हम है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, बहुत कम कंपनी इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी इथेरियम आज उस टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने जा रही है। अब जैसे इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करेगा, हाइब्रिड ब्लॉकचेन पे आएगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, तो धीरे धीरे लोगों में इसका अवेयरनेस आएगा, और लोगों को तब पता चलेगा कि ब्लैकिन वर्ल्ड एक ऐसी कंपनी है जो पिछले 4-5 साल से ये टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी मार्केट में यूज कर रही है, और फिर लोगों में धीरे धीरे अवेयरनेस आएगा। आज जब हम मिंटिंग और फार्मिंग के बारे में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मार्केट में जाके बात करते हैं, तो लोग बिटकॉइन और इथेरियम को कंपेयर करते हैं, ऐसा तो होता ही नहीं मार्केट के अंदर कुछ, तो ये कोई गलत काम है। तो ये लोगों की मानसिकता बन चुकी है, क्योंकि मार्केट में अवेयरनेस नहीं है। अब जैसे बड़ी कंपनी मार्केट में एक सेम प्रोडक्ट लेके आएगी, तो उसका अवेयरनेस दिन पे दिन बढ़ता जाएगा, और उसका बेनिफिट सबसे ज्यादा हमें मिलेगा, क्योंकि इथेरियम के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप बनाएंगे तो उसके लिए आपको जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे, इथेरियम के साथ स्टेकिंग करनी पड़ेगी, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा, इथेरियम के प्लेटफॉर्म को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वो प्रोडक्ट आप किसी को रिफंड करेंगे उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। पिछले 12 साल से सारी दुनिया क्रिप्टो के बारे में बात कर रही है, सब बिटकॉइन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बात करने से किसी को बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन पिछले 6 साल से हम प्लैटिनम वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से महीने का लाखों करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो ये फर्क है क्रिप्टो बाजार के अंदर बाकी प्लेटफॉर्म और हमारे प्लेटफॉर्म के बीच। मार्केट के अंदर अगर हमारा कोई क्रिप्टो बाजार में कॉम्पिटिटर है, तो हमारे कॉम्पिटिशन में छोटे मोटे पॉन्जी स्कीम्स खड़े, जहां पे लोगों का फ्यूचर ब्राइट नहीं है, हर 6 महीने हर साल भर के अंदर आपका समय और आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। और क्रिप्टो बाजार के अंदर जो बड़े इकोसिस्टम्स हैं, आप वो सारे इकोसिस्टम माइनिंग से बाहर निकल के मिंटिंग के टेक्नोलॉजी पे, फार्मिंग के टेक्नोलॉजी पे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के टेक्नोलॉजी पे अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, जहां पे ऑलरेडी हम है, तो उनका बेनिफिट हमें क्या हो सकता है, उनके वजह से मार्केट में अवेयरनेस आएगा, और हम डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में रिकमेंड कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हम अपने कंपनी का सॉफ्टवेयर लोगों को सेल करते हैं, सॉफ्टवेयर के बदले में जो रेवेन्यू जनरेट होता है वही हमारा रेवेन्यू होता है। वो सॉफ्टवेयर के अंदर कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, वो अपना कॉइन एक्सचेंज से बाय करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, उसका बार कोड ट्रांसपोर्ट भी उनके खुद के पास है, उनका पैसा उनके खुद के पास है, ना कंपनी के पास गया ना किसी और के पास गया। आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 12 महीने के बाद क्लोज हो जाता है, उसके बाद आपका कॉइन आपके पास होता है। जितने भी लोगों ने प्लैटिनम वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे पिछले 6 साल के अंदर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए, ऐसा एक सिंगल आदमी पूरे दुनिया के अंदर आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो प्लैटिनम कॉइन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो अल्टीमा के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे एक्स के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो एक सिंगल आदमी पूरे धरती पे नहीं मिलेगा कि वो बोलेगा मैंने ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और कंपनी ने मेरा पैसा वापस नहीं दिया, मेरा कॉइन वापस नहीं। क्योंकि आप जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो आपका कॉइन कंपनी के हाथ में नहीं होता है, आपका कॉइन आपके हाथ में होता है, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका ब्लॉकचेन पे बनता है, और उसका ट्रांसपोर्ट भी और बारकोड आपके पास है, दुनिया में आपके अलावा उसको कोई मालिक नहीं है। तो ये बेसिक लेवल पे चीजें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नॉलेज हमारे पास नहीं होता तो मार्केट में आनाप शनाप लोग हमें नेगेटिव करते हैं। अब वो एग्जाम्पल किस चीज के देते हैं, दुनिया भर के पॉन्जी स्कीम्स के देते हैं। बहुत सारे लोग टूथपेस्ट साबुन शैम्पू बेच रहे, अब उनकी नया डूब रही है, उनको ये पता चल गया कि हमारे नीचे ग्राउंड लेवल के सारे लीडर्स कंपनी छोड़ के जा रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, वो क्रिप्टो बाजार के अंदर पिछले 5-6 साल के अंदर जो गड़बड़ी हुई है, जिन लोगों ने पॉन्जी स्कीम बना बना के क्रिप्टो बाजार को बेचा है,